हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जब भी हम पीएचपी वेबसाइट को होस्टिंगर फाइल मैनेजर में अपलोड करते हैं तो उसे जिप फॉर्म में अपलोड किया जाता है, और अपलोडिंग के बाद जब हम उसे होस्टिंगर फाइल मैनेजर में एक्सट्रैक्ट करते हैं वेबसाइट को, तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाती है। तो आज हम आपको बताएंगे उस जिप फाइल को या जिप वेबसाइट को हम कैसे होस्टिंगर फाइल मैनेजर में एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए हम अपना होस्टिंगर अकाउंट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैनेज इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हम फाइल सेक्शन में जाएंगे नीचे और फाइल मैनेजर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ऊपर लिखा हुआ है डोमेन, उस पर क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है उसे जिप फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, तो उसके लिए हम ऊपर अपलोड पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फाइल इस पर जाएंगे और यहाँ वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे जो वेबसाइट हमें अपलोड करनी है, तो इस वेबसाइट को हमें अपलोड करनी है और अपलोड इस पर क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब हम इस वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका आइकन चेंज कर लेते हैं। अगर हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका केवल एक ही उपाय है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्टली इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे सिलेक्ट करके, तो ये कोड एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार हम वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं होस्टिंगर पर।